न्यूज स्टोरी से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है उसका नाम है शाहिन स्पोर्ट्स एकेडमी। त्राल में जितने भी आज तक मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी प्राइवेटली। जैसे हमारे ये हमारे एक भाई है फैरोज साहब, जो एक जाना पहचाना नाम है स्पोर्ट्स में, ये एक मार्शल आर्ट चला रहे थे पहले, उसके मार्शल आर्ट। इसने सोचा कि अगर हम बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, अगर हम इन सब डिसिप्लिन को एक ही रूप के अंदर लाएँ तो ये बेहतर रहेगा। तो इसके बारे में हमने सोच विचार किया तो हमने एक एकेडमी बनाई जिसका नाम हमने रखा है शाहिन स्पोर्ट्स एकेडमी। और शाहिन स्पोर्ट्स एकेडमी का मकसद ये होना चाहिए, जो बच्चा यहाँ हम तैयार करेंगे इस बच्चे को हमें लेना है नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक। इसको बीच में नहीं छोड़ना है, इसको हम बाज़ाब्ता ट्रेनिंग देंगे, कोचिंग करेंगे, इसको हम मेंटली ट्रेन करेंगे ताकि ये बच्चा हमारा कहीं रुके ना, ये चले नेशनल इंटरनेशनल, अपना नाम कमाए जिसकी वजह से हमारे एरिया का भी नाम हो। मीडिया के थ्रू वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम हर गेम के लिए ट्रायल रखेंगे। जैसे कि अभी एक ट्रायल सिस्टम है, इसमें हमें बच्चे का स्टेमिना भी पता चलेगा, जो पहले 20 आएगी उनका स्टेमिना उसी हिसाब से हम उनको ट्रेन करेंगे। इसी हिसाब से दूसरी गेम्स है, कबड्डी है, कबड्डी में जब हम ट्रायल करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन बच्चा हमारे कबड्डी के लिए फिट है, फिर हम उसको प्रॉपर कोचिंग करेंगे और उसके पीछे फिर हम रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट त्राल है, जो इसका यूथ है, यंग जनरेशन है, वो सपोर्ट्स ज़्यादातर हमने देखा है कि क्रिकेट सभी खेलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट है, फुटबॉल में भी है, वॉलीबॉल में भी है, बैडमिंटन में भी है, और भी बहुत सारे मार्शल आर्ट गेम्स, ताइक्वांडो है, सुके मार्शल आर्ट्स है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, इनमें भी बहुत सारा टैलेंट है यहाँ पे मौजूद। लेकिन यहाँ पे सिखाने वाला हमें लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है इनका सिखाने वाला। आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ का जो यूथ है उनका टैलेंट ज़ाया नहीं होना चाहिए बाकी स्पोर्ट्स में, इसलिए हमने ये काविश की है कि क्रिकेट के साथ साथ बाकी सपोर्ट, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, और बहुत सारे एटलीस्ट 20 सपोर्ट्स एंड गेम्स हमने रखी हैं इसमें, जिसमें हमारे पास वेल ट्रेनड कोचेज हैं, वो उनको सिखाएंगे, वो उनका टैलेंट जो है वो ज़ाया नहीं होने देंगे, ग्रूम करेंगे उनका टैलेंट ताकि वो डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। और हमने पहला जो इवेंट रखा है शाहिन सपोर्ट्स का है, वो है मेगा इवेंट मिनी मैराथन। मिनी मैराथन आमतौर पर 12 किलोमीटर तक होती है, जो मैराथन होती है वो 45 किलोमीटर होती है। लेकिन अभी यहाँ पे वो माहौल नहीं है बच्चों में जो 45 किलोमीटर रेस कर सकते हैं, इसलिए हमने एक छोटी रेस 6 किलोमीटर तक रखी मिनी मैराथन। और मिनी मैराथन के लिए आज से कोई भी रजिस्टर कर सकता है, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है इसके, एटलीस्ट 10 डेज तक रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है। 10 डेज के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा डेट रखेंगे इस मिनी मैराथन के लिए। थैंक यू जी। मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो हमें यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत से हम बच्चों को एक ऐसी फैसिलिटी रख सकते हैं वहाँ पर, जिसकी बदौलत ये मतलब सब कुछ उन्हीं की बदौलत भी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा ट्रिपल एम है, हैट्रिक्स है, फिजा ट्रेडर्स है, उनकी वजह से ये हमारा इवेंट कामयाब होगा जी। जितने भी स्पॉन्सर आएंगे, ताकि हमारे यहाँ स्पॉन्सर्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से हमारे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे आते हैं वो अच्छे प्लेटफार्म तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक्चुअली उसमें सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर ही है जो उसको आगे अच्छे प्लेटफार्म तक लेने में मदद करता है।